लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं के अंदर जोश पैदा करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विचार विभाग बौद्धिक प्रकोष्ठ के तत्वाधान में रविवार को गोलघर स्थित एक होटल में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विचार विभाग बौद्धिक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर SP त्रिपाठी ने किया। इस दौरान पार्टी के प्रबुद्ध जनों ने कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने कार्यकाल में किए गए कार्य और योजनाओं के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया और कांग्रेस की रीति और नीति को जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पित लिया। कार्यक्रम में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव सचिन नायक, कांग्रेस प्रत्याशी अधिवक्ता मधुसूदन त्रिपाठी, शिशुपाल सिंह पुरोहित, प्रोफेसर विजय बहादुर उपाध्याय, राकेश यादव, अरुण अग्रहरी, प्रोफेसर राम नरेश चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष शरदेंदु पांडे, दिलीप निषाद, मार्कंडे सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विचार विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर SP त्रिपाठी ने कहा, चाहे किसान के मुद्दों पर, चाहे हमारी सेना के मुद्दों पर, ये सरकार फेल हुई है और इसके फेल होने और मैं खुद भी समझ रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं दूंगा, बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। दो पंक्तियों के साथ ये सरकार हिलनी चाहिए, धन्यवाद। आ सकता है वो है प्रबुद्ध वर्ग और हाईकमान ने हम सबके निर्णय को सम्मान करते हुए सारा विपक्ष खामोश है। अगर उसमें भी किसी ने शेर की तरह गरजने का काम किया है तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया है और उनका हम खैर मकदम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि जो दम अंदर से आता है अगर वो ईमानदारी नहीं होगी। यह पैसा आएगा कहां? यह पैसा लाने की जरूरत नहीं है। वह जो हमारा 28 लाख करोड़ रुपए का देश का वार्षिक बजट होता है उसमें से केवल 12 रुपया निकाल लेना है और 12 रुपया निकाल लेने के बाद उसको 20% लोगों के बीच खर्च करना है। वह 20% लोग 5 करोड़ परिवारों में रहते हैं, उनकी संख्या लगभग 20 से 22 करोड़ लोगों की है। हमारे पास तो एक ऐसा हथियार है कि इसको यदि जन जन तक पहुंचा दिया जाए, इसको समझा दिया जाए कि वो 72,000 रुपए कहाँ से आएंगे, ये कैसे हम बांटेंगे, ये चीजों को आपको बताने की जरूरत है। यह बहुत बड़ी चीज है। हम बोला जा सकता है देश जिस दिन आजाद हुआ उस दिन भारत के खजाने में केवल 200 करोड़ रुपया, जिसमें 70 करोड़ पाकिस्तान में जाए, इतने कुछ नहीं था, खाने का राशन भी नहीं था, बाहर से बनाते गेहूँ आता था जो में से सारा विटामिन निकाला हुआ, वहाँ से शुरुआत हुई। आपने देखा कि देश का विकास किस तरह की, सारे व्यापारी मध्यम वर्ग के और निचले वर्ग के सड़कों पर आ गए, सारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, कुछ बड़ी इंडस्ट्री को छोड़ के, अब ये कहते हैं कि देश का विकास हो रहा है। तो आज ये जरूरत है कि हम सब कांग्रेस जन जितने यहाँ हैं वो सब लोग एकजुट हों और चिराग से चिराग जलाने की जरूरत है। सबको हम लोग प्रोत्साहित करें, इतने लोग हैं, अगर हम लोग 100-100 आदमियों को भी प्रोत्साहित करेंगे तो 19 तारीख के चुनाव तक बहुत कुछ कर सकते हैं। ये गोष्ठी कांग्रेस का एक बौद्धिक सेल है जिसको विचार विभाग कहते हैं, उसकी तरफ से आयोजित की गई थी, जो कांग्रेस के आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों की गोष्ठी थी कि हम लोग कांग्रेस की आइडियोलॉजी को कैसे प्रोपोगेट करें और इस चुनाव में उसका कैसे उपयोग किया जाए। लोगों में बड़ा उत्साह है, एकदम परिवर्तन की जैसे लहर सी बह गई है और सभी लोग चाहते हैं कि अब कुछ परिवर्तन होना चाहिए जो अब तक चला रहा है, विशेष करके गोरखपुर के लिए, क्योंकि यहाँ तो पिछले 30-40 सालों से मेयर भाजपा का है, विधायक भाजपा का है, सांसद भाजपा का है और लोग चाहते हैं कि भाई कुछ परिवर्तन हो, क्योंकि 40 सालों में तो यहाँ कोई विकास का काम हुआ ही, जो विकास का काम हुआ था वीर बहादुर सिंह के कार्यकाल में हुआ था, उसके बाद विकास की एक ईंट भी नहीं रखी गई गोरखपुर।